हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा हीरो प्लेजर और आज हम यहाँ पे किल स्विच लगाएंगे। बाइक्स में तो होती है लेकिन स्कूटी में नहीं होती, तो इसीलिए हम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हीरो प्लेजर में किल स्विच लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये सारे बोल्ट खोलने होंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे दो होते हैं और यहाँ पे फिलिप्स हेड स्क्रू है यहाँ पे और ये वाली साइड पे। ये पूरा ओपन करना होगा और उसके बाद आगे का करेंगे। दोस्तों, ये है इग्निशन कॉइल और इसका जो ये वाला वायर है, आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, येलो और ब्लैक। ये है इसका सॉकेट, ये है इसका कनेक्टर। यहाँ पे हमें सिर्फ एक वायर को ही लगाना है, ये है, और उसके बाद कनेक्टर को अच्छे से फिक्स कर देना है। अगर वो ढीला रह गया तो गाड़ी दिक्कत करेगी। ये होता है पॉजिटिव इग्निशन कॉइल का, येलो और ब्लैक वायर है इसका। ये है पॉजिटिव, येलो और ब्लैक। इसके पैरेलल में हमने ये वायर ले लिया और इसको अच्छे से फिक्स करना होता है। अगर ये ढीला रह गया तो दिक्कत करेगा, गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाएगी। बहुत ही सिंपल वायरिंग है। ये वायर को हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है, बस ये सिंगल वायर। और ये है हॉर्न की स्विच, मार्केट में 10 रुपये में मिल जाती है। एक्स्ट्रा हॉर्न लगाने के लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके एक पॉइंट में हम ये वाला ब्लैक वायर लगा देंगे और इसके दूसरे पॉइंट में हम किसी भी मेटल बॉडी पार्ट का अर्थिंग दे देंगे। बहुत ही सिंपल वायरिंग है। और ये पुश बटन है, इसलिए गलती से ऑफ रहेगी या ऑन रहेगी वो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी इंजन को ऑफ करना होगा बस एक बटन दबाओ और इंजन बंद। स्विच को यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे हमें छेद करेंगे और ये फेरिंग को खोलने के लिए 1, 2, 3, 4 और आगे एक होता है 5। ये सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे और मिरर को भी निकालना पड़ेगा, ये फेरिंग निकलेगा, और फ्रंट पैनल भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पे 3, वो साइड 3 और आगे 2, टोटल 8 स्क्रू होते हैं फ्रंट पैनल के। लेकिन हमारी गाड़ी पुरानी है इसलिए हमने केबल टाई से लगाया है, तो हमारे लिए ये इजीली खुल जाएगा। ये स्विच को हमें लगा दिया है और ये प्लास्टिक इतना सॉफ्ट होता है कि इजीली इसमें छेद हो जाए। ये सारे टूल्स को यूज़ करके हमने छेद कर दिया, गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये इजीली अपना हाथ यहाँ पे पहुँच जाता है, इसलिए हमने ज़्यादा दूर भी नहीं रखा। अभी हम ये वायर को यहाँ तक खींचेंगे। फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, स्विच को हमने लगा दिया है होल करके। और यहाँ से ये जो ब्लैक वायर है वो पीछे जो इग्निशन कॉइल का जो पॉजिटिव है वहाँ से हमने यहाँ पूरी बॉडी में पास करके यहाँ तक खींचा है। और ये जो रेड वायर है वो ये वाले स्क्रू में हमने अर्थिंग दिया है, देखिए। तो जब भी हम स्विच को दबाएंगे तब जो पॉजिटिव वायर इग्निशन कॉइल को पावर देता है उसको अर्थिंग मिल जाएगा और इंजन बंद हो जाएगा। चलो मैं एक आपको डेमो दिखा देता हूँ। इंजन स्टार्ट है, इंजन बंद। दोस्तों, फाइनली हमारी गाड़ी रेडी है और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इंजन स्टार्ट किया, चाबी ऑन है और मैं किल स्विच दबाऊंगा तो इंजन बंद हो जाएगा। इंजन बंद हो गया
तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी टू व्हीलर में किल स्विच लगा सकते हो और कोई भी स्कूटी में इजीली लग जाएगी। सिर्फ 10 रुपये का खर्चा है, लेकिन इसका वायरिंग अच्छे से करना। अगर वो बीच में कहीं से अर्थ हो गया तो इंजन कभी भी बंद हो जाएगा। वीडियो में जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, और जितना मुश्किल आप समझते हो उतना मुश्किल भी नहीं है, आप भी कर सकते हो अपने घर पे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।